नमस्कार दोस्तों दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो ये है कि जो भी हमारे मोटर वाइंडिंग और पंखे वाइंडिंग में जितने सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, उन सारे टूल एक एक करके हम बारीकी से हम आपको दिखाएंगे, उसका जानकारी देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जानकारी हो जाएगा कि अगर आप वाइंडिंग से रिलेटेड यदि काम अपना शुरू करोगे तो आपको कितने सारे चीजों को खरीदना पड़ेगा। अगर आप वाइंडिंग सीखना चाहते हो, सीखने वाले हो, तो आपको ये जानकारी मिल जाएगा कि आखिर हम यदि मोटर वाइंडिंग या पंखे वाइंडिंग से रिलेटेड अगर काम करेंगे तो किन किन टूल का इस्तेमाल होगा। ये सारे चीजों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा बारीकी से देखें और जानकारी लें, क्योंकि अगर आप अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो ये सारे चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सारे चीज ऐसे टूल हैं जो पंखा रिपेयरिंग करने वाले भाई, मोटर वाइंडिंग करने वाले भाई, इन सभी लोग यूज करते हैं। और आपको इस वीडियो से ये भी जानकारी मिल जाएगा कि अगर आप SMTC में पंखा रिवाइंडिंग का क्लास करने के लिए आओगे या मोटर वाइंडिंग का क्लास करने के लिए आओगे तो उसमें किन किन टूल का इस्तेमाल आपका होगा, और वो सारे टूल हमारे पास देखिए किस तरह से मौजूद हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास SMTC इंस्टीट्यूट में जो मोटर वाइंडिंग का क्लास देते हैं और पंखा रिवाइंडिंग का क्लास देते हैं वो सुजीत सर देते हैं, जो कि सुजीत सर आपको पूरे डिटेल में एक एक टूल के बारे में जानकारी देंगे। थोड़ा सा वीडियो में आप दिखाएंगे टूल हमारे पास यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ से दिखाना शुरू करेंगे। देखेंगे इधर बहुत सारे टूल्स लगा हुआ है जो कि यूज होता है, सब कैपेसिटर, कैंची वैची कटिंग करने के लिए ये सारे होते हैं, स्लिंग हो गया, ये सारे चीज, बहुत सारे चीज है जो कि आपको बारीकी से सुजीत सर बताएंगे इस वीडियो में। यहाँ पे जितने विभिन्न प्रकार का टूल रखा हुआ है ना, वो सारे के बारे में बताएंगे, क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, ऑल टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों अगर आप किसी काम को करने जा रहे हो या सीख रहे हो या सीखना चाहते हो तो आपके पास टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हमारे SMTC इंस्टीट्यूट में इधर आपको जितने भी प्रकार का टूल है ना वाइंडिंग से रिलेटेड, वो सारे चीजें अवेलेबल है। तो चलिए देखिए और सुजीत सर से जानते हैं कि सारे टूल क्या क्या है, नहीं है तो सर इधर से बताएंगे। सबसे पहले ध्यान ही देना है कि हम लोग जो रिवाइंडिंग का क्लास करेंगे ना, उसमें सबसे चीजें जरूरत पड़ता है जो वाइंडिंग करने के लिए तार का जरूरत पड़ता है, जो कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार का हमारे पास तार रखा हुआ है। सर तार के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, क्या है, नहीं है, कैसे है, क्या यूज होता है, नहीं होता है। वायर जो होता है गेज के अनुसार आता है, हर एक चीज, जैसे आपका पंखा हो गया, पंखा का वायर उसका पंखा के लोड के अनुसार होता है। जैसे आपका सीलिंग फैन आ गया, सीलिंग फैन में हम लोग ज्यादातर 35 नंबर और 36 नंबर कॉपर वायर का यूज करते हैं। टेबल फैन आ गया, उसमें हम लोग 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर का यूज करते हैं। और आपका स्टैंड फैन आ गया, स्टैंड फैन जो हम लोग फराटा फैन कहते हैं, उसमें हम लोग ज्यादातर 30 नंबर से 33 नंबर का बीच में यूज करते हैं। जैसे आपका ये हो गया 33 नंबर का है, ये आपका एक 35 नंबर का है, इसमें देखिए SWG लिखा हुआ 33 नंबर, मतलब इसके ऊपर में लिखा हुआ रहता। उसके बाद इसको नापने के लिए हम लोग माइक्रो गेज मीटर का उपयोग करते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे आपका ये माइक्रो गेज मीटर है जी, इसके इससे हम लोग तार का गेज कैसे नापते हैं, ये सब हम हर एक चीज को डिटेल बताते हैं। या प्रैक्टिकल जब समय होता है उसमें हर एक माइक्रो जितना भी आपका टूल्स होता है, हर एक चीज का डिटेल कैसे यूज करेंगे, कैसे नंबर गेज को पता करेंगे, हर एक चीज बताएंगे आप। जैसे कि सर ये जो मीटर अपना है गेज मीटर जी, इस ये मीटर का खासियत ये है कि अगर आप किसी भी पंखे को वाइंडिंग करने जा रहे हो, अब उसमें तार है, वाइंडिंग किया हुआ है कोई भी हो, लेकिन उसमें कितने नंबर का ही हमें जानकारी नहीं है तो वो जानकारी हम इससे ले लेंगे, मैक्रो गेज मीटर से ले लेंगे। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। इसके हम और आता, जैसे आपको कम नॉर्मल आपको यूज करना है तो नॉर्मल भी मिलता है, मतलब ये सर बहुत प्रकार का आता है। अगर आपका बजट कम है तो बजट कम वाला भी खरीद सकते हैं, इसको भी खरीद सकते हैं ना। मतलब इसका जानकारी होना वाइंडिंग करने वाला भाई को बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लोग पंखा रिवाइंडिंग करेंगे, मोटर का रिवाइंडिंग करेंगे, सबसे मेन होता है उसका तार कितनी मोटाई है, गेज को कैसे डिसाइड करें जी। क्योंकि आप एक नंबर दो नंबर का डिफरेंस में आपको पता ही नहीं चलेगा कितना नंबर का। अच्छा एक सेकेंड, अगर हमारा चलिए मान के चलते हैं किसी पंखे में 35 नंबर का है जी हाँ, और उसमें घटा दिए बढ़ा दिए तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए एक नंबर दो नंबर घटाते बढ़ाते तो कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत चल जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं घटा सकते, ज्यादा नहीं घटा सकते। उसका मैग्नेट जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने का शक्ति होता है, उस स्टेटर और रोटर पे डिपेंड करके ही कंपनी भेजता है। ओके ओके, मतलब जो हमारा वाइंडिंग करेंगे उसका तार का मोटाई कितना है इसका जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये जो आप वायर देख रहे हैं ना, सबका अलग अलग, सभी का साइज क्या है अलग अलग है। ये आपका 25 SWG का है जी, ये आपका 23 SWG का है, ये 26 SWG का है जी, ये आपका 23 का है जी, ये आपका 35 का है जी, 35 SWG का है जी, ये आपका 33 SWG का है जी, ये आपका 35 SWG का है जी, ये 27 हो गया, ये आपका नीचे 18 है, हाँ। नीचे आपका 18 है, ये 20 है। सर ये वाले 18 20 किसमें यूज होता है? ज्यादातर हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, जैसे मतलब आपका स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करेंगे उस समय उपयोग करेंगे। मतलब दोस्तों अगर आप स्टेबलाइजर का भी ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग सीखना चाहते हो तो इधर SMTC में कंप्लीट उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट, पूरी प्रोसेस है ना, असेंबल मतलब, करके नया असेंबल कैसे करें, नया असेंबल कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटो कट हर एक चीज के बारे में आपको, जैसे आप स्टेबलाइजर में आइएगा तो स्टेबलाइजर का आपको उसमें सिखाया जाएगा, स्टेबलाइजर का क्लास में आपका स्टेबलाइजर का रिवाइंडिंग का क्लास होता है कंप्लीट। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट टूल जिसमें वायर तार जो हम लोग का लगता है, और उसके बाद चलेंगे आगे, इधर देखेंगे अपने पास में ये टूल है सर, ये क्या है सर? इसको हम लोग नॉर्मल पीवीसी पेपर बोलते हैं जी। पीवीसी पेपर हम लोग पंखा में इसलिए करते हैं कि हम लोग जब इसमें वाइंडिंग करते हैं तो बॉडी अर्थ माने उसका करंट को बॉडी में ना फैलने के लिए हम लोग ज्यादातर इसको उपयोग करते हैं, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। पीवीसी पेपर नंबर के अनुसार आता है, ये भी नंबर के अनुसार आता है, नंबर का, ये आपका 7 नंबर का है, ये आपका 5 नंबर का है जी, सबका मोटाई अलग होता है, जैसे आपका 7 नंबर बढ़ेगा और 5 नंबर घटेगा जी। आपका तार में खासियत ये होता है कि नंबर जब बढ़ेगा हाँ। उससे मोटाई कम होगा, नंबर घटेगा उस समय मोटाई बढ़ेगा। अच्छा हाँ। उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल हाँ। ओके ओके चलिए, उसके बाद देखेंगे अगला टूल आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास में, इसको फार्मा बोलते हैं जी, क्योंकि जब हम लोग मोटर रिवाइंडिंग करते हैं, पंखा रिवाइंडिंग करते हैं, ये फार्मा हो गया। फार्मा का उपयोग हम लोग करते हैं मशीन में, एक बार मशीन में सेट कीजिए। ओके, मतलब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इधर ये मशीन दिख रहा है जी, और ये मीटर वाला मशीन है। हाँ, ये मीटर वाला है, एक मेरे पास नॉर्मल भी है, नॉर्मल भी है। हाँ, इसको आपको गिनना पड़ेगा हाथ से, उसमें हाँ, आपका क्या क्वांटिंग भी इसमें होते जाए, मतलब इसको घुमाते जाना है और उसका क्वांटिंग होते जाए, ऑटोमेटिक है जी जी, मतलब इससे काम भी जल्दी हो जाएगा, जल्दी होगा। चलिए, मतलब इसका पूरा प्रैक्टिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे इसके द्वारा से रिवाइंडिंग करेंगे। हाँ, इसमें टाइम भी बचत होगा, टाइम बचत बहुत बहुत टाइम बचत होता है। okay. जो आप दो दिन में काम कर रहे हो, आपको एक घंटा डेढ़ घंटे में काम करके कंपनी दोस्तों ये जो टूल वगैरह आप देख रहे हैं, अगर इसका प्राइस वगैरह का भी डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, जो टूल का प्राइस चाहिए वो सारे चीजों के बारे में हम आपको बता देंगे, ताकि अगर आप काम करते हो या काम करने वाले हो ना, तो आपको ये भी तो जानकारी होना चाहिए कि इधर हम अपना सेटअप चालू करेंगे, अपना दुकान देंगे, तो हमें टूल खरीदने में कितना पैसा लगेगा, है ना सर? जी हाँ। चलिए आगे बताएंगे, आगे आ जाता है बम्बू, इसको हम लोग बम्बू बोलते हैं नॉर्मल से, क्योंकि बम्बू टाइप का दिखता ही है, ठीक है। ये हम लोग का मिक्सर में काम आता है, और हम लोग पंखा में इसलिए उपयोग करते हैं कि इसका साफ, जैसे आपका टेबल फैन का साफ निकालना हो, सीलिंग फैन का साफ निकालना, इसमें इजी होता है निकालने के लिए, तो ये तो ऑलरेडी तो ये है मिक्सर का, इसे हम लोग पंखा में भी उपयोग करते हैं, मतलब ये वाले मिक्सर का क्लास में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये मिक्सर के लिए स्पेशल है, स्पेशल, लेकिन पंखा में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टेट साफ निकालने के लिए सबसे इजी होता है, आसान होता है ना। चलिए ठीक है, आगे बताएंगे सर, आगे इधर ये क्या चीज है सर? ये आपका सीलिंग फैन का वो हैंडल है, ओके, लगाने के लिए है ना।
चलिए उसके बाद आपका एक कलम मीटर आ गया। इसमें कलम मीटर में हम लोग ये पता करते हैं कि मेरा कितना आपका एम्पियर ले रहा है जी। ना तो तार लगाना डायरेक्ट, इसमें एक तार लगा दीजिए एम्पियर से मदद। कलम मीटर का सबसे खासियत ये होता है। ओके, मतलब कलम मीटर से बिना छेड़छाड़ किए हाँ कोई इसमें डर नहीं है और हम इससे एम्पियर का मेजरमेंट तुरंत कर सकते हैं। हाँ। चलिए मतलब इसका भी यूज प्रैक्टिकल हाँ। आपका होता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये सब बॉक्स है ना, ये सब वगैरह का नंबर के अनुसार आता है जो स्टूडेंट लोग बोलता बोलता है ना, वो सब प्रैक्टिकल के लिए ठीक है। उसके बाद मेरा आ जाता है इधर शाफ्ट। शाफ्ट दिखाएंगे थोड़ा नजदीक में, शाफ्ट कितने प्रकार का है। देखिए यहाँ पे बहुत प्रकार का आता है, जैसे आपका कूलर का हो गया, बुलेट का हो गया, वाल फैन का हो गया, एपी का हो गया, सबका अलग अलग आता है। ओके, इसीलिए साइज मोटाई अलग 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 सब कुछ अलग। मतलब सिंपल सा चीज है दोस्तों, अगर आप कोई भी चीजों का प्रैक्टिकल क्लास हमारे पास करोगे ना, उसका सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। और इसको चेंज करने के लिए बताते हैं हम लोग, ये नहीं, इसको हम लोग कम्प्लीट चेंज करने के लिए, कैसे आप शाफ्ट को चेंज कीजिएगा, कैसे आप बुश को चेंज कीजिएगा, कम्प्लीट आपका प्रैक्टिकल के साथ। ये नहीं कि खाली हम रिवाइज करा दिए और आपको भेज दिए, ये नहीं, कंप्लीट शाफ्ट कैसे चेंज होगा, बुश कैसे चेंज होगा, बेयरिंग कैसे चेंज होगा, और हर एक चीज का प्रैक्टिकल कंप्लीट। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे बूस है हाँ। जो कि मतलब सिंपल से चीज है, आप हमारे पास पंखा वाइंडिंग के लिए सीखने आओगे, मोटर वाइंडिंग सीखने के लिए आओगे, तो आपको इधर पूरी बारीकी से ए टू जेड प्रैक्टिकल, मतलब ए टू पूरा ऑपरेशन कराने के लिए सिखाते हैं। जब तक आप पूरा ऑपरेशन करने के लिए नहीं सीखोगे तब तक आपसे काम होगा कैसे। इसीलिए आपको इधर सारे ये बूस वगैरह कैसे चेंज हाँ, करते हैं नहीं करते हैं, सारे सारा प्रैक्टिकल के साथ। इधर देख सकते हो दोस्तों, बूस जो है वो अलग अलग साइज का है सर, अलग अलग है। देखिए सबका, ये आपका कूलर का हो गया, एपी का हो गया, सबका साइज अलग आता है। इसको लोटा लोटा बोलते हैं हम लोग। ओके, लोटा ऐसा दिखता है, ये देख सकते हैं, इसमें नंबर आता है, हम लोग नॉर्मल बोलते हैं इसको लोटा बूस। ओके चलिए, क्योंकि दिखता ही वैसा है, इसमें नंबर आता है जी, सबका नंबर आता है। मतलब अपने को पंखे रिवाइंडिंग वगैरह में ये सब चीजें रहना चाहिए। ये चीज क्या सर, लिक्विड दिख रहा है इधर, ये वार्निश है जी। जब हम लोग पंखा का रिवाइंडिंग करते हैं, जैसे हाँ। आपका ये पंखा तैयार हो गया, एक मिनट हाँ। दिखाते हैं हम हाँ। ये पंखा तैयार हो गया, अब हाँ। पार्टी को इसको देना है हाँ। तो इसको वार्निश क्यों करते हैं, कि वार्निश में क्या होगा, हीट में आपको हीट को अब्जॉर्ब करेगा, प्लस तार इधर उधर नहीं होगा, आपका पंखा चलेगा उसमें बॉडी का, जब वार्निश नहीं कीजिएगा तो तार इधर उधर फैलेगा, तो बॉडी मतलब सेफ्टी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें क्या ना, तार का लाइफ बढ़ता है, वायरलेस डालने से तार का लाइफ बढ़ जाता है। चलिए इधर सर, इसमें क्या है सर, इसमें आपका लॉक है जी, लॉक हो गया, जैसे मैं आपका वाशर टाइप का लॉक हो गया, प्लास्टिक रबर लॉक, मतलब ये सब चीजों का हमें जरूरत पड़ता है कंप्लीट हाँ। दोस्तों इधर छोटे छोटे चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इधर सब चीज रखे हुए हैं। एक वाशर इसमें नहीं लगाएंगे, स्टैंड फैन टेबल फैन में हाँ। डिफेंस चलने का आवाज आने लगेगा। ओके, तो वाशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वाशर से क्या होता है, मजबूती से टाइट होता है हाँ। दूसरे चीज, जब हमारा मोटर चलता है ना तो कंपन करता है नहीं, हाँ। उस समय हमारा नट वट वगैरह वगैरह कुछ बहुत सारा सेफ्टी करता है। मतलब सिंपल सा चीज है, छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक छोटे चीजों को इग्नोर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना। चलिए इधर सर, इसको क्यों रखे हुए हैं, देखिए इसको तो हम लोग नॉर्मल शेष पत्ता बोलते हैं, जो हम लोग कहीं चेती होती, जैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे आपका कोई, जैसे आप वायर ये हो गया हाँ। तो वायर में क्या होता है, कोटिंग किया हुआ रहता है हाँ। तो कोटिंग हटाने के लिए हम लोग इस शेष पत्ता का काम करते हैं। ओके ओके चलिए, ताकि वो आराम से छूट जाए हाँ। चलिए ठीक है, उसके बाद इधर देखेंगे ये सर, इसका कब यूज इस्तेमाल करते हैं, आपका कटर है, वायर कटर, साइड कटर इसको बोलते हैं, जैसे आपका एक तार है, इसको साइड कटर इसका निकालना है, मतलब इंसुलेशन छिलने वगैरह में, कटिंग वगैरह करने में इस्तेमाल करते हैं। इसका तो बताई थी, बारे में तो बताई थी हाँ। चलिए, ये आपका पुलर है, पुलर ये आपका किसमें काम आता है, जैसे आपका मोटर में काम आता है, जैसे इसको खोलना है जी, तो इसको खोलने के लिए पुलर का काम आता है, इसमें दोनों में सेट करके इसको हाँ। निकाल दीजिए, इजी से निकल जाए। ओके, इसका मतलब नाम पुलर है, ये टूल भी इम्पोर्टेंट हाँ, है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट। छोटे से लेकर के बड़े टूल, जितना भी आप रिवाइंडिंग का कामों में यूज करते हो ना, इधर सब चीज रखा हुआ है, आप देखो बढ़िया से। चलो आगे चलते हैं, ये सब क्या है सर, ये आपका स्विच है, टेबल फैन का स्विच है, हाई लो मीडियम स्विच है, ये
मतलब सिंपल सा चीज है, टेबल फैन यदि स्टूडेंट के पास रिपेयरिंग के लिए आ जाएगा इससे प्रॉब्लम आएगा, कनेक्शन कैसे करेगा हाँ। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग टेबल फैन का कनेक्शन कैसे करें, हाई लो मीडियम कैसे इसका कनेक्शन करेंगे जी, कैसे इसका कैपेसिटर कनेक्शन कंप्लीट पेडिकल के साथ उसको हाई लो कम करके दिखाया जाता है। मतलब सिंपल सा चीज है जो बहुत सारे लोग ले आता है कि स्विच मेरा सब काम नहीं कर रहा है, तो उसको रिपेयरिंग कैसे करेगा वो, या उसको चेंज कैसे करेगा, कंप्लीट रहेगा वो। मतलब सिंपल सा चीज है, आप कैसे इस पे काम करोगे, इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसको चेंज कैसे करोगे, क्योंकि ये बार बार दबाने से खराब होता है। तो इसके लिए हम लोग ये सब रखे हुए हैं कि कैसे आप इसको चेंज करोगे, कैसे आप रिपेयर करोगे। सर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब क्या है सर, ये बेयरिंग है जी, इसके बेयरिंग का साइज आता है ओके, जैसे ये आपका है 629 है जी, 629 हो गया, 6201 6602 है ठीक है, 6201 है। हर एक का जैसे आपका सीलिंग फैन में बेयरिंग अलग अलग आता है, सीलिंग फैन का स्टैंड फैन में जो पुराना आता है फ्राटा फैन उसमें हाँ। बेयरिंग लगता है, बुश नहीं लगता जी, तो उसके अनुसार सबका अलग अलग। उसके लिए हम लोग बेयरिंग को रखे हुए हैं ताकि काम कर सके, कंप्लीट रिप्लेसमेंट करके। उसके बाद सर इधर दिख रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ये क्या चीज है, ये आपका रोटरी स्विच है ओके, ये आपका स्टैंड फैन में फ्राटा फैन में उपयोग होता है और कूलर का भी उपयोग होता है, मतलब इसमें इसको कूलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राटा फैन में भी कर सकते हैं, कम्प्लीट दोनों में। इसको कैसे कनेक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कम्प्लीट सेट के साथ, कम्प्लीट शेड के साथ इसको प्रैक्टिकल क्लास देते हैं ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर, कैपेसिटर दिख रहा है, देखिए कैपेसिटर सबका अलग अलग आता है हाँ। जैसे हम लोग कैपेसिटर को नापते हैं MFD में जी, तो सबका कैपेसिटर का MFD यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे आपका ये 3.15 MFD हो गया जी, ये आपका 5 MFD हो गया जी, ये आपका 2.50 MFD हो गया, तो सबका अलग अलग कैपेसिटर आता है ओके। इसमें हम लोग MFD में नापते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर का भी इस्तेमाल आप लोग जानते होंगे पंखे वगैरह में यूज होता है, इसलिए का काम होता है कि पंखा में हम लोग सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, पंखा हम लोग का सिग्नल फेज होता है, इसीलिए हम लोग को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे इधर आपके पास टूल है, ये सब बहुत सारे लोग तो जानते होंगे ये सब टूल के बारे में, मेरे पास है ये सब, तो आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया जी। उसके बाद ये मटेरियल क्या है सर, ये आपका स्लिप इसको बोलते हैं, स्लिप का काम जब आता है, जब जैसे आपका ये वाइंडिंग किया हम जी, वाइंडिंग करने के बाद डाटा निकालते हैं उस समय है ना, जब वाइंडिंग किए उसके बाद इसमें आपको ये लीड निकालना होता है, लीड निकालने के लिए हम लोग जब इसको स्क्रेच करते हैं हाँ। अब एक दूसरे में जोड़ते हैं, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग ट्यूब या स्लिप को डालते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है ना। चलिए उसके बाद देखेंगे सर ये क्या है, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का काम है कि हम लोग का जैसे आपका टेबल फैन हो गया, तो टेबल फैन जो होता है रेसिस्टेंस पे वो कम बेसी होता है, हाई लो मीडियम रेसिस्टेंस से होता है जी। तो इसके साथ इसको कैसे कनेक्शन करेंगे रेसिस्टेंस के साथ, तो ही आपका हाई लो मीडियम होगा ओके। मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए वो सारे चीजें, अब नया आ गया रेसिस्टेंस ए, पहले मेरा पुराना जो होता था टेबल फैन में ए आता था, अब नया में आपका ए आ गया, इस रेसिस्टेंस आ गया, ये भी रेसिस्टेंस ही है। इधर सर ये सारे चीज क्या है, देखिए ये आपका वो बेयरिंग पुलर है, जैसे आपका कोई भी बेयरिंग निकालना हो, जैसे आपका ये मोटर में बेयरिंग इसका निकालना हो, तो बेयरिंग पुलर है, ये भी बेयरिंग पुलर है ओके, दोनों बेयरिंग पुलर है ये ओके। इधर ये सब देख सकते हैं, ये हमारा ओपनर, इसको क्या है ना कि हम लोग जब पंखा उंखा में जब कार को तो सेपरेट उसको डालने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं। उसके बाद इधर हो गया पीवीसी पेपर काटना और पेपर वगैरह कटिंग करने के लिए ये सब का इस्तेमाल करते हैं ना। मतलब दोस्तों ये सारे आप देखे जो कि मोटर वाइंडिंग पंखे वाइंडिंग से रिलेटेड जो यूज होते हैं टूल, जो यूज होते हैं चीजें, सारे चीज आपको इधर अवेलेबल दिख रहा है। दोस्तों अगर आप दुकान चालू करोगे और किसी भी चीजों का मशीनों का टूल का प्राइस के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करेंगे, आपका कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। और दोस्तों अगर आप पंखा रिवाइंडिंग करने के लिए प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो, अगर आप मोटर वाइंडिंग करने के लिए वाटर पंप, जो कि अभी बहुत जगह सभी जगह सर वाटर पंप का चलती है, बिल्कुल बिल्कुल पहले एग्रीकल्चर के लिए लोग मशीन यूज करते थे, अभी क्या है कि पेट्रोल का महंगाई हो गया, सब मोटर से है ना, किरासन तेल तो मिलना बंद हो गया, तो अब सब जगह वाटर पंप, इलेक्ट्रिक वाटर पंप चलना शुरू हो गया, और इलेक्ट्रिक वाटर पंप का काम अच्छा खासा अब मिलता है ना। अगर आप उस चीजों को रिवाइंडिंग ट्रेनिंग सीखना चाहते हो, अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करना चाहते हो, खुद का रोजगार खुद से शुरू करना चाहते हो, तो हमारे SMTC इंस्टीट्यूट में आकर के पूरी बारीकी से प्रैक्टिकल क्लास कर सकते हो, जो कि मोटर वाइंडिंग का क्लास सुजीत सर देते हैं, और आपको
जितने डाउट हो सकता है, जितने बार डाउट हो सकता है वो समझाने का प्रयास करते हैं और आपको एक अच्छे तरीके से सिखा करके भेजते हैं ताकि आप इधर से जाकर के प्रैक्टिकल कामों को कर सकते हैं। और हम लोग का खासियत ये होता है, जैसे हम लोग कोई भी काम करवाते हैं, जैसे आपका पंखा ही हो गया, वाटर पंप ही हो गया, सबमर्सिबल ही हो गया, तो कंप्लीट उसका रिवेंडिंग, रिपेयरिंग और टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसे? उसको पानी चला के, क्योंकि कस्टमर को देना तो चला के नहीं देना, कितना लोड ले रहा है, एम्पियर कितना है, तो उसको हर एक चीज को दिखाना पड़ता है। मतलब दोस्तों आप हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जो बस पंखा और रिवाइंडिंग सीख रहा है, तो पंखा को पूरा प्रोसेस को करने के बाद वो चला करके देखता है, जो कि वीडियोस हमारे चैनल में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अगर आप वही वाटर पंप का ट्रेनिंग करोगे तो हम लोग पूरी चीजों का पूरा प्रैक्टिकल कराने के बाद उस मोटर को चला के दिखाते हैं, पानी वानी फेंक रहा है कि नहीं, सेक्शन कैसे लगाना है, पाइप कैसे लगाना, मतलब जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सारी चीज बारीकी से प्रैक्टिकल देते हैं। और इन सभी का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, आप उधर भी जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप कुछ सीखना चाहते हैं जैसे कि मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड, पंखे रिवाइंडिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे SMTC इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, उन सभी का लैब अलग है, उन सभी का टीचर्स अलग है, ये नहीं कि एक ही लोग सारे कोर्सेज को कराते हैं। हमारे पास टोटल 25 कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर और मोटर का सारे चीजें और इलेक्ट्रिशियन के सारे चीजें, एसी, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर, होम थिएटर और भी बहुत सारे चीजों का ट्रेनिंग कराते हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो इंक्वायरी नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करें और पूरी डिटेल जानकारी लें, कैसे कोर्सेस होगा, क्या फीस है और कैसे हम रहेंगे। अगर आप इंडिया का किसी भी कोने से हो, हमारे SMTC इंस्टीट्यूट में इंडिया का हर जगह से बच्चे आते हैं, आप कहीं से भी हो तो इधर रूम का, रहने का व्यवस्था, हर चीज का व्यवस्था अवेलेबल है। आप एक बार कॉल करके और हमारे टीम से बात करके देखो कि कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे क्लासेस होगा, कौन सा कोर्सेस का कितना फीस है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड चीजों को, टूल्स दिखाने का प्रयास किए, और भी बहुत सारे टूल्स हमारे पास है जो कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं रख पाए हैं। हम आपको और अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। और कुछ सीखना चाहते हो तो आप नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, तुरंत कॉल करें, पता करें कितने तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और उस कोर्स में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत ही कीमती समय देकर के देखते हैं, अपना बहुत ही कीमती बहुमूल्य समय को देते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार दोस्तों।